नमस्कार बच्चों, तो मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए लेकर आ गया हूँ सेट 5। तो आज हम है सो संस्कृत सब्जेक्ट के सेट 5 करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि जैक बोर्ड ने है सो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है 5-5 सेट सब सब्जेक्ट का। तो आज हम है सो संस्कृत सब्जेक्ट का सेट 5 करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम है सो 2, 3 और 4 सेट करवा चुके हैं आपके लिए। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो सब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो आज हम इसको करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से हम करेंगे इसको। हम है सो सभी सेट हुआ है सो अच्छे से हिंदी में करवाए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। आप अगर एक बार सभी वीडियो को देख लेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर वीडियो में ही याद हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से मैं समझाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप है सो समान निर्देश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या बोला गया है, उसी तरह से आपको ऐसे आंसर देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले में दिया गया है कि परीक्षार्थी है सो यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, यानी जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक ऐसे अपने शब्द में ही आंसर लिखना है, ठीक है। आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, कहीं भी कटेंगे नहीं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 19 है, आप इसी तरह से सो समान निर्देश को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट में क्या है, खंड क में क्या दिया गया है, खंड क में है सो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में आपको सिर्फ एक वर्ड में ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। टोटल क्वेश्चन 7 है, लेकिन आपको 5 ही का आंसर इसमें देना है, ठीक है, लेकिन मैं आपको 7 का आंसर बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है प्रेंग गीत ज्ञान फला के भवंती। प्रेंग गीत ज्ञान फला तो क्या हुआ, दूसरों के इशारों से समझने वाले, दूसरों के इशारों से समझने वाले, अके मतलब कौन, भवंती मतलब क्या होता है, होते हैं। तो दूसरों के इशारे से समझने वाले कौन होते हैं, तो जो दूसरा को इशारा किया आप समझ गए, तो वो व्यक्ति कैसा होगा, विद्वान होगा, यानी बुद्ध है, बुद्धिमान व्यक्ति होगा। बू द आधा ध द या बुद्धदय, बुद्धदय मतलब होता बुद्धिमान, ठीक है, बुद्धिमान व्यक्ति। तो फर्स्ट का आंसर रहेगा बुद्धदय, ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, आपको सिर्फ हिंदी समझ लाना है, इसके बाद आपको उसे एक बार आंसर देख लेना है, आपको ऐसा बाद में अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन देखते देखने के बाद आपको याद आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या बोल रहा है, पशुना अपि कृदृश गृहते, यानी पशु है सो कहा हुआ अर्थ कैसे ग्रहण करते हैं, पशु के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, पशुना अपि कृदृश गृहते, इसका अर्थ क्या हुआ कि पशु के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, तो पशु के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदी रितो अर्थ और थ, ठीक है, उदीरी तो अर्थ मतलब कहा हुआ अर्थ, इसका मतलब हिंदी क्या होगा, कहा हुआ अर्थ। तो पशु के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है, कहा हुआ अर्थ, आप जो भी पशु को कह देंगे यानी जानवर कह देंगे वही मान लेगा, ठीक है, आप जैसे इशारा करते हैं वैसे ही है सो पशु लोग भी इशारा करते हैं, तो कहा हुआ अर्थ पशु है सो मान लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बता रहा है कि सिंहस्य बलम क जानती, यानी सिंहस्य मतलब क्या हुआ शेर, तो शेर का बल कौन जानता है, तो शेर का बल कौन जानेगा दोस्तों, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्क, यानी चूहा ही है सो शेर के बल को जानता है, शेर के बल को शेर थोड़ी जानेगा, चूहा ही जानेगा, ठीक है, कोई कमजोर ही व्यक्ति इसका बल को जानेगा कि वो कितना ताकतवर है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुस्क यानी चूहा, 3rd का। स्टोरी के जो स्टोरी में बताया गया है उसी के हिसाब से आंसर देना है, ठीक है, जो आपको बुक में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में है निसंशय निसंशय क कृतांत मन्यते, यानी निसंशय मतलब बिना संशय के, बिना संशय के किसको यमराज मानते हैं, कृतांत मतलब यमराज, ठीक है, तो बिना संशय के किसको यमराज मानेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं या मतलब जो अवित्र स्थान, या मतलब जो हुआ अवित्र स्थान तो व्यक्ति, जो व्यक्ति पीड़ित पीड़य माननम न रक्षति, यानी जो व्यक्ति है सो
पीड़ित की रक्षा नहीं करता है। तो जो व्यक्ति पीड़ित की रक्षा नहीं करता है उसको यमराज मानते हैं, ठीक है। स्टोरी के हिसाब से यही आंसर होगा फोर्थ का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है, मयूर मयूर कथम नृत्य मुद्रायाम स्थित भवती, यानी जो मयूर मतलब मोर हुआ, मोर है सो किस मुद्रा में नृत्य करती है। तो मोर किस मुद्रा में नृत्य करती है, तो आप देखेंगे मोर को पंख फैलाकर है सो नृत्य करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पिच्छ छा नुद घाट्य, नुद घाट्य, ठीक है, दम या हलंत ऐसे है, ठीक है, पिच्छा नुद घाट्य मतलब पंख फैलाकर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, वी मूर्ति कीदृश वाचम परित्यजति। तो इसका हिंदी क्या बोल रहा है, इसका मतलब हुआ विमूर्ति मतलब हुआ कम बुद्धि वाला व्यक्ति, ठीक है। कीदृश मतलब क्या हुआ, किस प्रकार की, वाचम मतलब वाणी और परित्यजति मतलब छोड़ देता है, यानी इसका पूरा हिंदी क्या हुआ कि मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति किस प्रकार की वाणी को छोड़ देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धर्म प्रधान, धर्म प्रधान यानी अच्छी वाणी को छोड़ देता है मूर्ख बुद्धि वाला व्यक्ति, ठीक है। चलिए 7 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क सडकनीय भवती, यानी कौन शंका में था, तो कौन शंका में था, चंदन दासम, इसका आंसर चंदन दासम होगा, चंदन दासम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये खंड ख में आ गए हम लोग, खंड ख में ऐसा ये भी ऐसे लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर आपको देना है। ये ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन सब है, तो चलिए अच्छे से करते हैं इसको भी समझते हुए। तो फर्स्ट में क्या करना है, हमको संधि या संधि विच्छेद कर देना, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला का क्या होगा, संधि विच्छेद दिया गया तो संधि में लिखना है, तो संधि में क्या हो जाएगा इसका, कदाचित प्लस च का क्या हो जाएगा, कदाचित, कदा क्या हो जाएगा, कदाचित, ठीक है, कदाचित इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट का हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लोक अश्मिना, लोक लोके अश्मिना का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका लोके अश्मिना का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, लोक लो क लोके हो जाएगा, लोके प्लस अश्मिना, अश्मिना, ठीक है, लोके प्लस अश्मिना। चलिए थर्ड देखते हैं क्या बोल रहा है, केनापी का संधि विच्छेद करना हमको। तो केनापी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, केन प्लस अपी, केन न अ आ रहा है यहाँ पर, अभी अ जगह तो आकर हो जाता है, अ प्लस अ केनापी। तो आपको हिंदी में जैसे संधि विच्छेद करते हैं उसी तरह से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं अब क्या बोलना है, क्या बोल रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है, समास विग्रहम या समस्त पदम लिखत, यानी समास विग्रह या समस्त पद आपको लिखना है। तो चलिए फर्स्ट में क्या लिखना है हमको, समस्त पद लिखना है, ठीक है। तत्वार्थस्य निर्णय का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, तत्वार्थस्य निर्णय का क्या हो जाएगा, तत्वार्थ निर्णय, सय हट जाएगा, निर्णय सिर बच जाएगा, ठीक है, इसमें अब पूरा ज्वाइंट हो जाएगा एक शब्द में, तत्वार्थ निर्णय फर्स्ट का। चलिए सेकेंड देखते हैं, सेकेंड में हमको समास विग्रह करना है। तो वाक्पटु का क्या हो जाएगा, वाक्पटु का क्या हो जाएगा, वाची पटु, वाची पटु, ठीक है। थर्ड में देखते हैं, थर्ड में बोल रहा है निराहारम, निराहारम का संधि विच्छेद, थोड़ा सॉरी समास विग्रह क्या होगा निराहारम का, तो निराहारम का हो जाएगा समास विग्रह आहारस्य, आहारस्य अभाव, अभाव हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट में नी लगा है, जहाँ भी नी रहेगा वहाँ पर लास्ट में अभाव हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नी लगा है तो लास्ट में अभाव हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट में 2 बिंदु दे दीजिएगा यहाँ पर अभाव के बाद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, पर्यायवाची मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना, ठीक है। इसका तो श्रेय का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, श्रेय का हितम हो जाएगा, श्रेय मतलब कल्याणी होता है, हितम, हितम लिख सकते हैं आप, कल्याणम भी लिख सकते हैं, ठीक है, कल्याणम, कल्याणम, आप एगो सिर्फ लिखना कोई,
कोई भी एक लिख लीजिएगा श्रेय का, ठीक है। चलिए धनम का क्या आ जाएगा, धनम मतलब धन हो गया, धनम मतलब धन हो गया, वित्त मतलब धन हो गया, ठीक है। वित्त मंत्रालय आप ऐसे भी सुनते होंगे न्यूज में, तो धनम मतलब भी धन हो गया, वित्त मतलब भी धन ही होता है। चलिए समान अर्थ लिखना है तो धन नाम का क्या आ जाएगा वित्तम। चलिए लोके का क्या आ जाएगा, लोके हम क्या बोल सकते हैं, संसारे, लोके संसारे, संसारे ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में करना है अधोलिखितानाम पदानाम विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है। विलोम शब्द सबको बताना है, तो दोष का क्या आ जाएगा, दोष का क्या आ जाएगा गुण, किसी में दोष है तो उसमें भी गुण है, तो दोष का उल्टा गुण होता है, ठीक है। चलिए फिर सके में क्या बोल रहा है, उपश्रुत्य, उपश्रुत्य का उल्टा क्या हो जाता है, उपश्रुत्य का उल्टा अपश्रुत्य, अपश्रुत्य इधर के हो जाएगा श्रुत्य। आत्म, आत्मगतम, आत्मगतम का उल्टा क्या हो जाएगा प्रकटम, आत्मगतम मतलब प्रकट माने प्रकट होना, ठीक है। चलिए 12 पे देखते हैं। 12 में क्या करना है, हमको प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका पहले हिंदी समझ लेते हैं, इसके बाद प्रश्न निर्माण करेंगे। देखिए यहाँ जो हाईलाइट यानी अंडरलाइन किया गया है, इसके स्थान पर आपको ऐसा वर्ड रखना है कि यह प्रश्न निर्माण हो जाए, यानी प्रश्न पूछने लगे, ये उत्तर दिया गया है, ठीक है। तो इसका हिंदी सबसे पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, प्रकृति माता सर्वेशाम जननी अस्ति, यानी प्रकृति माता है सो सभी की जननी, यानी सभी की माता है। तो प्रकृति माता, सब प्रकृति माता क्या है, सभी की माता है, ठीक है। इसका हिंदी ये हुआ। तो इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, कौन है सो सभी की माता है, कौन, तो कौन का संस्कृत क्या होता है का, तो फर्स्ट में का हो जाएगा। यहाँ पर प्रकृति माता का आपको का लिख देना है, इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, आपका प्रश्न निर्माण हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड में क्या बोल रहा है, वनस्य समीपे एका नदी बहती, यानी वन के समीप से एक नदी बहता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, किसके समीप से एक नदी बहता है, तो यहाँ किसके का संस्कृत क्या हो जाएगा, किसके का संस्कृत हो जाएगा कश्य, कश्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो था इसके जगह पर कैसे हो जाएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए थर्ड में क्या बोल रहा है, व्यवहारेण मित्रानी जयंती, व्यवहार से ऐसा मित्र की जयंती होते पहचान किया जा सकता है, तो व्यवहार से ऐसा मित्र की पहचान किया जा सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, व्यवहारेण का जब क्या लगेगा क्वेश्चन बन लेगा, किससे, किससे ऐसा मित्र की पहचान किया जा सकता है, तो किससे का संस्कृत क्या होता है केना, ठीक है। किससे का संस्कृत केना होता है, और कस्य का संस्कृत किसके होता है, ठीक है। कस्य मतलब किसके होता है, इसका मतलब तो किसके, ठीक है, और इसका मतलब किससे, किससे केना मतलब। चलिए तो यहाँ व्यवहार है ना, जब आपको लग देना है किससे मित्र की पहचान किया जा सकता है, तो केना मित्रानी जयंती, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप। 13 में क्या बोल रहा है, निर्देश अनुसार लिखित, निर्देश अनुसार लिखना है। विशेषण पदम किम, विशेषण पदम पद इसमें कौन सा है, तो इसमें विशेषण पद क्या है तुक्ष, ठीक है, तुक्ष है, यानी तुक्ष है सर जीव है, और अगर विशेष पदम पूछता तो जीव हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है, विशेषण पदम, तो तुक्ष आंसर हो जाएगा फर्स्ट का। चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड में पूछ रहा है विशेष पदम, तो विशेष पदम कौन सा हो जाएगा सिंह, और क्रूध से विशेषण हो जाता है, ठीक है। चलिए थर्ड में क्या पूछ रहा है, क्रूध सिंहम इतस्थ धावती, यानी क्रूध मतलब क्या था, क्रोध सिंह मतलब शेर, क्रोध से क्रोधित शेर है सो इधर उधर दौड़ता, यानी इधर उधर दौड़ता है, इसका हिंदी अर्थ हुआ। तो इसमें क्या पूछ रहा है, अव्यय पदम, यानी अव्यय पूछ रहा है कि इसमें कौन सा है, तो इसमें अव्यय पद कौन सा है, इतस्थ इधर उधर, इधर उधर है सो चेंज नहीं होगा कभी भी, चाहे कोई भी कुछ भी हो जाए, टेंस कहीं भी चेंज हो जाए, लेकिन ये जो शब्द है इतस्थ वो चेंज नहीं होगा, तो जो चेंज नहीं होता है वही अव्यय हो जाता है, तो इतस्थ हो जाएगा आंसर, इतस्थ मतलब क्या होता है इधर उधर। चलिए 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, प्रकृति प्रत्ययम संयोजम या विभज्यम, यानी जो यहाँ पर दिया गया है प्रकृति अनुसार, यानी जिसके अनुसार दिया गया है उसमें है सो
संयोज के या विभज के यानी जोड़िए या तोड़िए, प्रत्यय लगाकर आप जोड़ सकते हैं या फिर आप तोड़ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट में देखते हैं प्रत्यय कौन सा लगेगा, हसन। लास्ट में न है तो न के लिए कौन सा प्रत्यय लगता है, सत्री प्रत्यय लगता है, आपको पता ही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, हस प्लस सत्री, हस प्लस सत्री फर्स्ट में। सेकेंड में क्या हो जाएगा, हन प्लस कत क्या हो जाएगा, हत। ठीक है, जोड़ दिए इसको। थर्ड में देखिए, थर्ड में भी जोड़ना है हमको, तो प्र प्लस चल प्लस सत्री, लास्ट में सत्री है तो क्या हो जाएगा, न लग जाएगा, प्रचलन। ठीक है, प्रचलन यहाँ कुछ नहीं होगा, प्रचलन डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ल मतलब न था तो लास्ट में सत्री लगाते हैं क्योंकि इसको तोड़ रहे थे, यहाँ पर सत्री है तो लास्ट में न लग गया। ठीक है, प्रचलन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। लॉन्ग का फर्स्ट देखते हैं 15 नंबर, पाँच नंबर इसके लिए मिलेगा आपको। फर्स्ट में क्या है, पत्र है, तो पत्र किसके पास लिखा जा रहा है, चलिए इसको समझ लेते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ पर परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा फल यात, परीक्षा फल यात अनुजम प्रति लिखितम, मतलब एक अनुजम मतलब छोटा भाई है, उसको पत्र लिखना है कि वह परीक्षा में सफल हो गया है, फर्स्ट आया है या मतलब सफल हो गया है, अच्छा नंबर लाया है, तो उसके लिए बधाई देना। ठीक है, वर्धाना मतलब बधाई देना, पत्र के माध्यम से आपको छोटे भाई को बधाई देना है परीक्षा के सफल होने पर। तो देखिए इस वर्ड को देखकर ही आपको भरना है नीचे जो खाली जगह लेटर में दिया गया है। ठीक है, तो ये सब लेटर जो दिया गया है इसका हम थोड़ा सा मतलब हिंदी समझ लेते हैं। चलिए तो देखिए फर्स्ट में क्या है, अग्रज, अग्रज मतलब क्या था, बड़ा भाई। ठीक है, अब प्राप्तयसि, प्राप्तयसि मतलब क्या होगा, प्राप्त करना। ठीक है, प्राप्तयसि। चलिए अब ये जो प्राप्तयसि है ये वो क्या है, वर्तमान काल में है। ठीक है, तो मतलब तुम, प्रसन्नता मतलब खुशी होना, गौरव मतलब गौरव होना, अंडकाना मतलब क्या होता है, प्रथम। ठीक है, देव, देव नगर ज्ञात मतलब यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है यानी कोई गांव का नाम होगा। ठीक है, सुभाषिष मतलब चरणजीव मतलब आशीर्वाद नहीं देते हैं तो सुभाषिष बोलते हैं। प्राप्त मतलब प्राप्त करना, वर्धन मतलब, वर्धन नाम तो क्या होता है, बधाई देना। ठीक है, चलिए सबका अर्थ समझ लिए हैं। चलिए फर्स्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट में एड्रेस होता है तो ये जो देवघर नगराता होगा फर्स्ट में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट में ये आ जाएगा। चलिए सेकेंड में क्या आएगा, सेकेंड में बताइए क्या आ जाएगा, सेकेंड में हो जाएगा प्रिय अनुज, प्रिय अनुज। इसके बाद क्या आ जाएगा, सुभाषिष यानी आशीर्वाद देंगे, प्रिय अनुज मतलब छोटा भाई, सुभाषिष। सुभाषिष कहाँ पर था, देखिए सुभाषिष ये वाला यहाँ पर जाएगा सेकेंड में। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या है, थर्ड में बोल रहा है तव परीक्षा फलम सफलता पत्रामा अद्वय, मतलब तुम्हारा सफलता जो परीक्षा में सफल हुए हैं उसका पत्र मिला। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्राप्त सयसी, ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला जो है सो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, तव उत्तीर्ण ज्ञातवा मई अति, अति क्या हुआ, प्रसन्नता मतलब प्रसन्न हुए तुमको ये सब देख, मतलब उत्तीर्ण जब तुम हुए अगर ये सब मैं जाना तो हमको बहुत ही खुशी हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रसन्नता कहाँ दिया गया है, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ में। ठीक है, फोर्थ में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है, आरोह रात्रम प्रयासम विधाया तो हम 95% मतलब तुम लाए हो, इसके लिए मैं आपको क्या देता हूँ, अंडकाना मतलब, अंडकाना मतलब 95% से तुम ऐसे प्रथम आए हो, अंडकाना, अंडकाना ही आ जाएगा। ठीक है, ये वाला जो अंडकाना है यहाँ पर फाइव में आ जाएगा। सिक्स में क्या बोल रहा है, अस्माकम कृते विषयम, विषयम गौरवस्य मतलब तुम अच्छे नंबर सभी में लाए हो, सभी विषय में लाए हो, तो ये क्या है, गौरव का विषय है, तुम जो इस तरह से नंबर लाए हो ये गौरव का विषय है। तो जो गौरव है वो कहाँ पर जाएगा, सिक्स में आ जाएगा, तो गौरवस्य जो है यहाँ सिक्स में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है तुभ्यम ममम हार्दिकम, मतलब तुमको हार्दिक क्या है, बधाई। तो वर्धा नाम कहाँ जाएगा, वर्धा नाम यहाँ पर आ जाएगा सेवन में। ठीक है,
चलिए एट नंबर देखते हैं। एट नंबर में क्या बोल रहा है, इसे हिंदी से पहले समझ लेते हैं। आगामी परीक्षा में अपी, मतलब आगे भी तुम हंसो क्या करोगे तुम, तो एट में क्या जाएगा तवम, तवम मतलब तुम होता है, तो एट में तुम हो जाएगा। तो तवम कहाँ दिया गया है, तो हम देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये वाला सो एट में आ जाएगा, ठीक है। आगे भी वैसे तुम प्रथम स्थान लाओगे, आगामी परीक्षामी अपी त्वम प्रथम स्थानम, ठीक है। नाइन्थ में क्या आ जाएगा, नाइन्थ में हो जाएगा से इसी आशा से, मतलब प्राप्त करोगे इसी आशा से, यहाँ क्या जाएगा प्राप्त से सी, क्या आ जाएगा यहाँ पर प्राप्त से सी, ठीक है। यसी जैसे यहाँ देखिए देखिए ये जो प्राप्त से सी है, बता रहा मैं आपको, देखिए ये जो प्राप्त सी एस यहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि प्राप्त सी एस सी ऐसा क्या है भविष्य काल में, यानी भविष्य काल में ऐसा तुम जरूर लाओगे फिर से फर्स्ट, ठीक है। तो देखिए ये प्राप्त सी एस सी ऐसा यहाँ पर क्या कहाँ आ जाएगा, नाइन्थ में आ जाएगा, ठीक है। नाइन्थ में प्राप्त सी एस सी आ जाएगा, और देखिए फर्स्ट में सेकेंड में क्या आ जाएगा यहाँ पर प्राप्तम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही तरह का वर्ड है, लेकिन ये जो प्राप्तम है सेकेंड में आ जाएगा, और जो ये प्राप्त सी है वो नाइन्थ में चल जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, भवदीय, भवदीय मतलब आपका या अग्रज हो जाएगा, ठीक है। आपका बड़ा भाई मतलब अग्रज मतलब बड़ा भाई होता है, ठीक है। सोमेश नाम दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपको लेटर को समझ के भर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, आपको इसी की मदद से ऐसा पांच वाक्य लिखना है, पांच वाक्य आपको लिख देना है, इस चित्र को देखकर आपको इसी का वर्णन करना है, पांच वाक्य लिख देना है। चलिए आपको बताते हैं, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा अस्मिना चित्र एका नदी अस्थि, यानी जो वो चित्र था वो क्या दर्शा रहा था एक नदी को, तो ये फर्स्ट सेंटेंस आपको ऐसा लिख देना है। इसके बाद सेकेंड में क्या है, तस्या नघो दो बालको स्नातक, यानी वहाँ पर जो है सो दो बालक नदी में सो नहा रहते हैं, स्नातक मतलब नहाना, ठीक है। थर्ड क्या है, तत्रैव 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 उन्नत पर्वत वृक्षा च शुभंती, यानी वहाँ पर ऐसो उन्नतम तो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, पर्वत और वृक्ष है सो दिख रहे हैं, वहाँ पर जो चित्र है उसमें क्या दिख रहे हैं ऊंचे ऊंचे पर्वत और वृक्ष। इसके बाद क्या है, फोर्थ में क्या लिखेंगे, नगा तटे नदी के किनारे एक कुटीर, मतलब कुटिया, कुटिया आप देख रहे होंगे घास फूस से बनता है, नदी किनारे एक कुटिया भी है, ठीक है चित्र में। फिफ्थ में क्या बोल रहा है, रज का शिला पट के वस्त्राणी छालियंती सुभेते च, यानी रज का मतलब क्या है धोबी, धोबी है सो शिला पट के मतलब पत्थर पर पटक पटक है सो वस्त्र को धो रहा है, ठीक है। तो फिफ्थ का यही हो जाएगा, तो आपको पांचों सेंटेंस इस तरह से लिखना है, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अच्छे से, और तो क्वेश्चन 17 में क्या करना है, आपको खाली जगह दिया गया है उसको आपको भर देना है, ठीक है, डायरेक्ट आपको भर देना है। तो चलिए इसको भरते हैं जल्दी से, क्या बोल रहा है, फर्स्ट में यह बोल रहा है, पिता बाल्य महत विद्याधनम यक्षति, यानी विद्याधन बचपन में देते हैं, तो किसको विद्याधन देंगे, पुत्राय यानी पुत्र को, तो फर्स्ट लाइन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम ऐसा क्वेश्चन नंबर 17 का सिर्फ आंसर देख लेते हैं सभी का, कि खाली जगह जहाँ जहाँ दिया गया है तहाँ तहाँ आंसर क्या होगा। तो चलिए सिर्फ आंसर इसका आपको बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसे आपको सिर्फ इसका आंसर समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर लिख लीजिए, चलिए बता देते हैं कौन कौन कहाँ पर होगा, ठीक है। तो इन सभी का आंसर ऐसे आपके सामने लिख दिया गया है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, ये जो बॉक्स दिया गया है, यहाँ बॉक्स में जो टाइम दिया गया है इसका संस्कृत आपको बताना है। तो ये हर सेट में है, आपको अच्छे से हम बता चुके हैं पहले भी समझा के किस तरह से लिखना है, चलिए हम इसका आंसर जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, मथुरा एक्सप्रेस सायकालम वादने में आगजती, यानी मथुरा एक्सप्रेस जो है वो शाम को ऐसे 5 बजे जाती है, तो 5 का क्या हो जाएगा संस्कृत पंच, तो वहाँ खाली जगह पर आपको पंच लिख देना, ठीक है। चलिए सेकेंड क्या है, अमृत सर मेला रात्रो वादने गछती, यानी अमृत मेला जो है सो रात को कितने बजे जाते हैं, 8:15 पर, जैसे ही 15 मिनट लास्ट में आता है तैसे क्या लगा देना हमको सपादा, ठीक है। जैसे ही लास्ट में 15 मिनट आता है तैसे ही सपादा लिखना है। इसके बाद अष्ट हो जाएगा, 8 बजे बोल रहा है तो अष्ट हो जाएगा,
ठीक है। चलिए थर्ड देखते हैं, थर्ड में बोल रहा है 1:30, 1:30 का बोल रहा है। तो 30 का संस्कृत क्या रहता है, सार्ध। 30 का संस्कृत, 30 मिनट का संस्कृत सार्ध हो जाएगा। अब एक बजे बोल रहा था, एक हो जाएगा सार्ध एक, यानी जनता एक्सप्रेस है सो दोपहर को 1 बजे जाती है, ठीक है, अपराह्न तो दोपहर। चलिए फोर्थ में क्या बोल रहा है, 12 बजे, 12 बजे का संस्कृत क्या होता है, द्वादश, द्वादश, ठीक है। अनुराग है सो द्वादश 12 बजे उठता है, वादने मतलब उठना, ठीक है, 12 बजे रात को उठता है, द्वादश हो जाएगा यहाँ पर, खाली जगह पर भर देना, ठीक है। चलिए फाइव में क्या बोल रहा है, स नृत्यम प्रातः वादने उत्तिष्ठति, यानी वह उठकर है सो नृत्य करता है, कितना बजे, 5:45 पर। जैसे ही 45 मिनट आते थे, 45 मिनट का संस्कृत क्या होता है, पादोना। इसके बाद देखिए 45 मिनट यहाँ पर आया है, तो अभी यहाँ पर पंचा नहीं लिख देना है डायरेक्ट, 5 बजे है बोल रहा है तो इस एक बहा करके लिखना है, तो पादोना षठ, ठीक है। 6 का संस्कृत क्या होता है, षठ, ठीक है, पादोना षठ हो जाएगा 5वां का आंसर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको पहले भी ऐसे इसको अच्छे से समझाए हैं, आप सेट 4 देख सकते हैं, वहाँ पर आपको और अच्छे से समझाया गया है कि टाइम कैसे लिखना है, कोई भी टाइम आप लिख सकते हैं अगर सेट 4 देखे हैं तो, ठीक है, इसमें भी आपको अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए पहले इसको क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, पहले अनुच्छेद यहाँ पर दिया गया, ठीक है, तो अनुच्छेद को पढ़ करके ऐसे आपको आंसर देना है, तो इसको समझते हैं पहले पैसेज को। तो क्या बोल रहा है, दीपावली भारतयानम प्रमुखम पर्व अस्ति, यानी दीपावली है सो भारत में सो प्रमुख त्यौहार है, पर्व है, ठीक है। अस्मिन दिवसे श्री राम पितु आज्ञाम पालयानम, मतलब जो श्री राम जी थे वो अपने पिता को आज्ञा के पालन करने के लिए सो 14 वर्ष तक क्या कहाँ गए थे, वन, यानी वनवास गए थे, और वनवास में जब गए थे तो वहाँ पर कुटिया से सो रावण है सो सीता को, रावण है सो सीता को चुरा लिया था, तो राम जी क्या क्या थे, रावण को मार करके है सो पुनः है सो अयोध्या आए थे, तो उसी की खुशी में है सो क्या होता है, कार्तिक मास में है सो अमावस्या के दिन दीपावली प्रज्वलित किया जाता है, यानी मनाया जाता है, ठीक है। तो यही सब पैसेज में दिया गया है, और उसी रात को क्या जाता है, लक्ष्मी पूजन किया भी जाता है दीपावली के रात को, यानी कार्तिक अमावस्या के रात को है सो लक्ष्मी पूजन किया जाता है। और हैसो क्या यहाँ बोल रहा है, और इससे ऐसा क्या होता है, गृह हैसो मतलब घर ऐसा शुद्ध हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से पैसेज का हिंदी समझ लेना है, टूटा फूटा लैंग्वेज में आपको पूरा अच्छे से नहीं समझना है, कि पूरा आ रहा है तब हम समझेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो आप पैसेज को बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए पैसेज को बनाते हैं, बना लिए मतलब समझ लिए कि अब चलिए क्वेश्चन आंसर अब देखते हैं क्या बोल रहा है, एक पद में उतरते हैं, यानी एक पद में उतर दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दीपावली केशाम प्रमुखम पर्व अस्ति, यानी दीपावली है तो किसका प्रमुख पर्व है, तो भारतवर्ष का, यानी भारत का है पर्व, भारत ही में ज़्यादा मनाया जाता है, भारतवर्ष हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट का क्या आ जाएगा, भारतवर्ष। यहाँ पर देखिए पैसेज में भी आंसर दिया है, दीपावली भारतीया नाम प्रमुखम पर्व अस्ति, तो आप भारतीया नाम भी लिख सकते हैं या भारतवर्ष भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपको जो मन है सो लिख दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, दीपावलयाम रात्रों की क्रियते, यानी दीपावली के रात को क्या जाता है, क्या किया जाता है, तो महालक्ष्मी पूजन, यहाँ पर देखिए महालक्ष्मी पूजनम, तो सेकंड का आंसर क्या जाएगा, महालक्ष्मी पूजनम, तो आपको पैसेज में आंसर दिया है। चलिए थर्ड में क्या बोल रहा है, दीपावली कस्य तिथो भवति, यानी कौन सा तिथि को मनाया जाता है, तो अमावस्याम, तिथि पूछ रहा था, अमावस्याम हो जाता अगर मतलब महीना पूछता तो कार्तिक मास्या हो जाता, यानी कार्तिक महीना मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर तिथि पूछ रहा है तो अमावस्याम हो जाएगा, थर्ड का क्या हो जाएगा, अमावस्याम। फोर्थ में क्या पूछ रहा है, बधधवा का विपर्य पदम, यानी उल्टा पूछ रहा है, तो बधधवा का क्या हो जाएगा, बधधवा मतलब क्या होता है, बंधा हुआ, तो विमोच इसका उल्टा हो जाएगा, विमोच मतलब होता है खुला हुआ, विमोच्य, ठीक है, बंधवा मतलब होता है बंधा हुआ, ठीक है, इसका उल्टा विमोच्य हो जाएगा। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए, तो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दीपावल्य पर्वेना पूर्वक जना की करवंती, यानी दीपावली से पूर्व क्या करते हैं,
दीपावली से पूर्व हम लोग क्या करते हैं, सभी घरों को शुद्धि करते हैं, स्वगृहानम शुद्धि, यानी लीपा पोती करते हैं। आप लोग दीपावली से पहले साफ सफाई करते ही होंगे अपने घर का, तो सभी घर को शुद्धि करते हैं, स्व गृहानाम शुद्धि, पैसेज में ही आंसर दिया है सब, अब ध्यान से देखिएगा। तो चलिए ये थर्ड में क्या पूछ रहा है, शीर्षक पूछ रहा है, यानी जो अनुच्छेद दिया गया है उसको आप एक शीर्षक बताइए, एक वर्ड में कुछ ऐसा शीर्षक दीजिए कि वो पूरा पैसेज को कवर कर ले। तो यहाँ पर जो पैसेज है वो किसके बारे में बात किया गया है, दीपावली के बारे में, तो आप शीर्षक दे सकते हैं दीपावली, या फिर एक और शीर्षक दे सकते हैं, या दीपोत्सव, यानी दिवाली का उत्सव दीपोत्सव, आप दोनों में से या कोई लिख सकते हैं शीर्षक। तो यहीं तक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 ख़त्म हो गया, पूरा सेट मैं आपको ऐसे अच्छे से करा चुका हूँ। आई होप मेरा मेहनत आपको पसंद आया होगा, तो इस तरह का वीडियो मैं लाते रहूँगा, तो इस चैनल पर बने रहने के लिए आप ऐसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप ऐसे इसी तरह से मेहनत करते रहिए, आपका बोर्ड में ऐसे एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।